फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मीटर इन और मीटर आउट सर्किट की बात करेंगे। मीटर इन और मीटर आउट सर्किट का यूज ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे स्पीड कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है, या तो सिलेंडर जब अंदर की तरफ जा रहा है वहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना, या सिलेंडर बाहर की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल करना। दोनों ही कंडीशन में हम मीटर इन और मीटर आउट सर्किट का यूज़ करते हैं। तो स्पीड कंट्रोल की जहाँ पर बात आती है वहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने तीन सर्किट बनाया हुआ है। ये ऊपर के जो दो सर्किट हैं वो मीटर इन के हैं और नीचे का मीटर आउट सर्किट है। मीटर इन की बात करते हैं। मीटर इन सर्किट ऐसा सर्किट होता है जहाँ पे हम फ्लो का कंट्रोल, जो इनलेट लाइन है या जो प्रेशर लाइन है वहाँ पे अगर हम फ्लो का कंट्रोल कर रहे हैं तो वो मीटर इन सर्किट होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये किसी भी सिलेंडर को आप ऐसे देख के नहीं ये बता सकते हो कौन सा इनलेट है और कौन सा आउटलेट है। किसी कंडीशन में हो सकता है ये इनलेट का लाइन हो और ये आउटलेट का ऑपरेशन लाइन, दूसरे कंडीशन में हो सकता है ये इनलेट का लाइन हो और ये आउटलेट का लाइन हो, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो यहाँ पे हमको एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट और रिट्रैक्ट पोजीशन। मतलब जब ये सिलेंडर बाहर की तरफ जा रहा तब मीटर इन सर्किट, और जब सिलेंडर अंदर की तरफ जा रहा तब का मीटर इन सर्किट। अब जब सिलेंडर बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तब मीटर इन सर्किट का डिस्कशन हम करते हैं। सिंपल की बात करते हैं, टैंक हो गया, फिल्टर, पंप, मोटर, प्रेशर रिलीफ वाल्व 4x2, टू पोजीशन फॉरवर्ड डीसी वाल, चेक वाल, रिलीफ वाल, सॉरी फ्लो कंट्रोल वाल, एंड दिस इज ए सिलेंडर। सपोज ये पोजीशन हमारा एक्टिव है, तब की बात करते हैं, पंप ऑन हुआ यहाँ से, तो ये लो प्रेशर आगे बढ़ा, ये एक्टिव है तो यहाँ से होती है, ये चेक वाल्व है, इधर जाने नहीं देगा आगे को, इधर से देखते हैं ये हमारा फ्लो कंट्रोल हो गया, यहाँ से होते हुए और इधर आ गया। अभी यहाँ देखिए, यहाँ फ्लो नहीं जा पाया और यहाँ से हमारा कंट्रोल होके फ्लो आगे चला गया, और सेम टाइम दूसरी साइड कॉयल यहाँ से होते हुए डायरेक्टेड टैंक को चला गया। मतलब हमारा जब ये प्रेशर लाइन है वहाँ पे हमने ये फ्लो को कंट्रोल किया है इसके थ्रू, तो ये मीटर इन सर्किट हो गया। अभी जब दूसरा पोजिशन एक्टिव होगा तब देखते हैं, ये दोनों लाइन यहाँ पर आ गया और ये दोनों लाइन यहाँ पर आ गया, प्रेशर आगे बढ़ा, फ्लो यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया, ये वाला लाइन रॉड एंड को डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, मतलब कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये अंदर आया, दूसरी साइड का आया, यहाँ से होते हुए इधर से जा नहीं पाएगा, यहाँ से ये फ्री फ्लो हो गया, ये डायरेक्ट यहाँ से टैंक को चला गया। तो ये सर्किट में देख रहे हैं, जब हमारा सिलेंडर बाहर की तरफ जा रहा है, स्टैक हो रहा है, तो ये मीटर इन सर्किट हो गया। अभी जब सिलेंडर हमारा अंदर की तरफ जा रहा है तब वहाँ पर अगर हमको मीटर इन सर्किट यूज़ करना हुआ, तो देखिए यहाँ से अगर ये पोजीशन पहले हमारा एक्टिव है, ये फ्लो आगे की तरफ बढ़ा, यहाँ से होते हुए यहाँ आया, चेक वाल हो गया, आगे जाएगा नहीं, यहाँ से फ्लो कंट्रोल वाल के थ्रू इधर आ गया और सिलेंडर हमारा अंदर की तरफ जाने लगा थ्रू फ्लो कंट्रोल, जितना हमारा सेटिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो अंदर जाता रहेगा, और दूसरी साइड का ऑयल यहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट टैंक को चला गया। अभी जब दूसरा पोजीशन एक्टिव होगा तो यहाँ से देखिए, ये प्रेशर आया इधर से, पिस्टन को कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो इस मतलब इस बार ये इनलेट लाइन है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे फिर दूसरी साइड को है डायरेक्ट चला जाएगा टैंक को, तो ये हमारा मीटर इन सर्किट हो गया। और मैं समझता हूँ अभी कि मीटर आउट सर्किट का अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, अगर मीटर इन आपने समझ लिया तो मीटर आउट आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मीटर आउट सर्किट का भी डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।